एवरीवन, सो आज है डे नंबर 375 डेज वेट लॉस चैलेंज का। सो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। सबसे पहले करेंगे 5 मिनट्स के लिए रनिंग, उसके बाद करेंगे 5 मिनट्स के लिए स्ट्रेचिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू, जिसके रेपिटेशंस एंड सेट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइज, मेरे को ना एक चीज़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब रिपीट मोड पे आता है कि हमें अपना बेली फैट जो है कम करना है। तो क्या होता है गाइज, जब भी हमारी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हमारा टमी फैट जो होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो कम होने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लेता है। हमारा ऑल ओवर बॉडी फैट फिर कम हो जाएगा, लेकिन टमी फैट जो होता है वो काफ़ी टाइम लगाता है कम होने में। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ल्यूकवॉर्म वाटर पीजिए, अगर आप ल्यूकवॉर्म वाटर नहीं पी सकते हैं तो जीरा वाटर पीजिए। जैसे कि मतलब क्या होता है ना, ल्यूकवॉर्म वाटर थोड़ा सा प्लेन हो जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो आप जीरा पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी ले सकते हैं, एंड मतलब इस तरीके से जो है आप चेंज कर करके ले सकते हैं। बिकॉज इन सारी चीज़ों से भी क्या होता है कि हमारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलते हैं, एंड प्लस ये बेली फैट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ग्रीन टी का इनटेक करिए, एंड सबसे पहले शुगर जो है अपनी लाइफ से अवॉइड कर दीजिए। जैगरी अगर आप लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम रखिए, बिकॉज जैगरी में एंड शुगर में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज जो है पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप शुगर की जगह जो है 10-10 स्पून जो है पूरा दिन में जैगरी ले रहे हो और कह रहे हो कि हम तो मीठा खा ही नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद रिफाइंड फ्लावर छोड़ दीजिए, बाहर का खाना जो है अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल ही, कभी कभी खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अवॉइड, अगर नहीं हो पाता है तो आप वीक में वन डे अपना बनाकर रखिए ऐसा कि हमें इस दिन जो है बाहर का खाना खाना है, लेकिन उसका भी आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है। बिकॉज हमारे वेट लॉस में पोर्शन कंट्रोल एक मेजर की होता है, जिस जो हमें हेल्प करता है वेट लॉस में। सो गाइज, ये सारी चीज़ें अपने ध्यान रखनी है अपने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। प्लस उसके साथ क्या करना है, आपने ऑयली फूड नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाना है, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए, और उसके साथ साथ आपने वर्कआउट ज़रूर करना है, बिकॉज बेली फैट कम करने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड गाइज, क्या होता है ना, सिजेरियन डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारा ये जो टमी फैट होता है ना, ये एक तरीके से स्टक हो जाता है, जो कि इतना ईजिली कम नहीं होता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, सेम चीज़ मैंने फेस करी थी कि मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसा लगता था कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, फोर्थ या फिफ्थ मंथ अभी भी मेरा चल रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे बैड फील होता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वर्क करा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे मिलते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, तो हम अब से स्टार्ट करेंगे एप्स का वर्कआउट, जिसमें हम अपर बॉडी मीन्स अपर टमी एंड लोअर टमी, लोअर अबडोमिनल को कवर करेंगे। उसकी ही मैं डेली एक्सरसाइजेस आपको दिखाऊंगी, बिकॉज सबसे पहले हमें इस पे ही काम करना है, देन उसके बाद हम स्विच करेंगे शोल्डर फैट के लिए एंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, बैक चेस्ट, इन सब के वर्कआउट के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम वर्क करेंगे बेली फैट के लिए। एंड गाइस, क्या होता है, जो हमारा सिजेरियन के बाद एक मॉमी पूछ बन जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो कम नहीं होता है। तो डोंट वरी गाइज, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, जो कि बिगनर्स भी कर सकते हैं, एडवांस लेवल के लोग भी कर सकते हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए होगी। अगर आप वेट के साथ नहीं करना चाहते हो तो आप विदाउट वेट के साथ भी कर सकते हो, एंड अगर आप वेट के साथ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइज। ज़रूरी नहीं है आप बहुत स्टार्टिंग में ही जो है हैवी डंबल्स के साथ वर्कआउट करें, आप 1 kg ले सकते हैं, 2 kg ले सकते हैं, बिकॉज मैंने भी 1 kg एंड 2 kg से ही इनिशियल डेज पे स्टार्टिंग करी थी। मैं बहुत जल्दी अपना ये डंबल भी स्विच करने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट गेन करूंगी डंबल्स का भी, बिकॉज अब मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन आप मेरी कॉपी बिल्कुल भी ना करिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सिर्फ 1 kg और 2 kg के साथ स्टार्टिंग करिए, एंड मैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस लेकर आऊंगी, सो दैट आप एक ही एक्सरसाइज करते करते बोर भी ना होए, एंड प्लस वो काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी गाइज। बहुत जल्दी आपको फील होगा आपका बेली फैट जो है रिड्यूस हो रहा है।
सेट्स अगर मैं बिगनर्स की बात करूँ तो बिगनर्स जो हैं 2 सेट्स लगा सकते हैं 10 रेपिटेशंस के साथ या 8 रेपिटेशंस के साथ, और अगर एडवांस लेवल पे आप करना चाहते हैं तो 3 सेट्स लगाइए विद 15 to 20 रेपिटेशंस। सो गाइज, पर आपने ज़रूर करना है बेली फैट का वर्कआउट, प्लस खाने पीने पे फोकस बहुत अच्छे से रखना है कि हेल्दी चीज़ें खानी है। और गाइज क्या होता है ना कि हमारा बेली फैट ये एक ऐसा फैट होता है जो सबसे मतलब ज़्यादा टाइम लेकर कम होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेकर रिड्यूस होता है। तो मैं आपसे जो है आपको एप्स की मतलब मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपसे, ये एप्स का जो है हम वर्कआउट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं डेली डेली आप लोगों के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। मैं सेम एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगी, कभी डिफरेंट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, लेकिन अब मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एप्स के वर्कआउट के लिए, जिसमें हम एप्स के साथ साथ अपने कोर मसल पे भी फोकस करेंगे। बिकॉज अगर आप बेली फैट कम कर रहे हैं और अपना लोअर टमी एंड अपर टमी कम कर रहे हैं तो आपको अपनी कोर मसल पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम एप्स एंड कोर ये दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखेंगे, फोकस इन पे ही रहेगा एंड हम अपना बेली फैट को रिड्यूस करके ही रहेंगे गाइज। सो आप भी मेरे साथ इस जर्नी को जो है फॉलो करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज आप मेरे ब्लॉग्स को मिस आउट कर दोगे। सो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज की अपनी फुल डे की डाइट गाइज। डाइट पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है गाइज, मैं बार बार आपको बताती हूँ, 100 में से 70% हमारा जो है डाइट प्ले करता है रोल वर्कआउट में एंड बाकी रिमेनिंग 30% हमारा वर्कआउट होता है। तो वर्कआउट तो करना ही करना है लेकिन डाइट पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपना वर्कआउट। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइज जब आप लोग मुझे कमेंट करके चीज़ें पूछते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड इसके साथ शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की फुल डे की डाइट।
चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज डे थ्री की फुल डे की डाइट क्या रही। सो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर लिया था एक बिग वाला जो मग होता है भर के लिक्विड वाटर। देन ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पर पोहा लिया था। गाइज, मुझे पीनट वाला पोहा ही काफ़ी पसंद है। काफ़ी लोग कहते हैं कि पीनट में कैलोरीज होते हैं। गाइज, आप हर एक चीज़ का ना पोषण कंट्रोल करके रखो तो किसी भी चीज़ से वेट गेन नहीं होता है। एंड मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 पीनट्स होते हैं ये, और वही मैं लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट जिंजर चाय ली थी जो कि विदाउट शुगर है। मिड मॉर्निंग ब्रेक में मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस लिए थे ब्लैक सॉल्ट के साथ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड ये सीजनल फ्रूट है एंड लो इन कैलोरी है एंड विटामिन सी से जो है भरपूर है, तो आप ऑरेंजेस खाइए। बिकॉज सीजनल फ्रूट्स खाने से क्या होता है गाइज, उनमें लो कैलोरीज होती हैं एंड काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए। लंच में मैंने यहाँ पे पनीर की भुजी ली थी, साथ में कर्ड लिया था एंड थोड़ा सा मिर्ची का होममेड अचार और एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ की जो है रोटी ली थी गाइस। सो ये हमारा एक परफेक्ट लंच है जिसमें मैंने हर एक चीज़ का जो है पोषण कंट्रोल रखा है। आप भले ही हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन उसका भी पोषण कंट्रोल करना ज़रूरी है गाइस। तो बस, एंड उसके बाद इवनिंग में मैंने यहाँ पर चाय नहीं ली थी, अपनी ग्रीन टी ली थी जिसके साथ मैंने ये एलमंड्स लिए थे जो कि रोस्टेड एलमंड्स हैं जिनके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल करा हुआ है। एंड ये कैफीन फ्री है ग्रीन टी जो कि सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक इंडिया की है एंड ये काफ़ी अच्छी होती है गाइस टेस्ट में। काफ़ी लोग कहते हैं ग्रीन टी कड़वी होती है गाइस, अब तो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स आने लग गए हैं ग्रीन टी के, तो आप वो ट्राई करिए। एंड अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। डिनर में मैंने राजमा राइस लिए थे, बिल्कुल थोड़े से ही राजमा राइस, साथ में ऑनियन का सैलेड लिया था। तो ये है हमारी आज की फुल डे की डाइट गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग। सो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।